हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मोस्टली ये देखा जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स केमिस्ट्री में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है, जो फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक्स है, बच्चे क्या करते हैं उसे एक दूसरे को मिक्स कर देते हैं और कहते हैं कि सर हमारा केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे करा रखा है, फिजिक्स में ऐसे करा रखा है, हमारे टीचर ने ये वाले रूल लिखवाए हैं। तो बेटा आप रूल को याद करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। तो आप जो बेसिकली जो न्यूमेरिकल टर्म है, न्यूमेरिकल टर्म के अकॉर्डिंग अगर रूल्स को याद रखोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है रूल पे ना जाके आप जो मेन मेन पार्ट हैं उनको ध्यान रखो। बट अभी मैं स्टार्ट करा रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं चाहूँगा कि आप वन बाय वन इसको समझें। कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली उन फिगर्स को कहा जाता है जो रिलायबल होती हैं। कैसी होती हैं? रिलायबल होती हैं और उनकी कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है। और उनके साथ हम क्या करते हैं, एक अनसर्टेन डिजिट्स भी लगा देते हैं, सो दैट कि ये पूरा फॉर्म करके क्या बता देती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर लिखा है कि द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन द मेजरमेंट प्लस वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। क्या लिखा है? प्लस वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर अगर आपको 100 लिखा है तो बेटा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस किसकी नज़र आ रही है आपको, तो आप बोलेंगे सर वन की इम्पोर्टेंस है, अगर ये वन ही नहीं होगा तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो रिलायबल डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स को मिला के यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर बनाया गया है। क्या बोला मैंने कि यहाँ पर जो वन है ना, वन जो है इसकी इम्पोर्टेंस है और ये ज़ीरो आप जितनी मर्ज़ी लगा दो, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जितनी ज़ीरो हम लगा रहे हैं एडिशनल कर रहे हैं, ज़्यादा ज़ीरो लगाने से इस नंबर की वैल्यू बढ़ रही है। बट जो इम्पॉर्टेंट डिजिट है जिसके कारण ये वैल्यू बढ़ रही है वो क्या है, वन। तो इतनी बड़ी डिजिट में बेशक ये जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं सब डिजिट से मिला के सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो 1 से लेकर 9 तक है ना, वो तो सारे हमेशा सिग्निफिकेंट रहते हैं। ये जो 0 है ना, ये एक अनसर्टेन का काम करता है। यहाँ पर जो 1000 हो, चलो ये 2000 है, तो यहाँ पर जो 2 है ना, यहाँ पर 2 की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर ये एक लेवल डिजिट है, यहाँ से ये जो वैल्यू है एक 2000 एक नंबर बता रही है। तो यहाँ पर जो 3 यहाँ पर जीरोस लगा रखे हैं इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप यहाँ पर एक ज़ीरो और लगा दो, एक और लगा दो, एक और लगा दो, तो बेटा यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे वो 1 ही बनेगा, 1SF। तो मैंने बोला इस वाली डिजिट में कितने बनेंगे, तो आप तब भी बोल सकते हैं कितने हैं, सर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। तो ये कहता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, सिग्निफिकेंट फिगर किस किस से मिलकर बना है। कहता है एक रिलायबल डिजिट प्लस वन अनसर्टेन, वन अनसर्टेन डिजिट। तो इन दोनों के मिलकर क्या बनता है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 1.62 सेकंड्स, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो 1 है, ये जो 1 लिखा है एंड 6 लिखा है, ये जो 1 एंड 6 हैं ये क्या है मेरे पास बेटा, रिलायबल। क्या डिजिट्स हैं बेटा, ये रिलायबल डिजिट्स हैं। बट ये जो 2 है ना, यहाँ पर 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता है, तो ये सब क्या है, अनसर्टेन। ये कौन सी डिजिट मानी जाएगी बेटा, अनसर्टेन डिजिट मानी जाएगी, ठीक है। अगर 287.5 सेंटीमीटर है तो बेटा यहाँ पर 2, 8, 7 और 5 इन चारों को मिला के कितनी, पहले तो कितनी सिग्निफिकेंट बन गई, तो यह बोलता है कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। अब कहता है कौन रिलायबल है, कौन अनसर्टेन है। तो यहाँ पर जो है 5 की जगह पॉइंट के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। तो ये कहता है 287 जो है ये तीनों क्या हैं, रिलायबल, ओके। और जो 5 क्या है, यहाँ पर क्या बता रहा है बेटा, अनसर्टेन, ठीक है।
ये जो है कॉन्फिडेंट किसके लिए, हम 287 के लिए कॉन्फिडेंट है, मतलब इंपॉर्टेंस इसकी है, कॉन्फिडेंट है, बट यहाँ पॉइंट के बाद 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, उसके लिए मैं अनसर्टेनिटी दिखा सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमारा रूल नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, एक बार समझ लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज़ करेंगे। कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे है 153 किलोमीटर, तो बेटा यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं दैट इज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मान लिया जाए 154.5 है, तो बेटा अब जो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है ना वो कितनी हो जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई यूनिट लगा दिया जाए जैसे है 123.4 सेंटीमीटर, तो बेटा अभी भी कितनी है, 4। बेटा अब जो यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, कहता है ऑल जीरोज़ बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर कह रहा है यहाँ पर 100 लिखा है तो बेटा अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1। अगर यहाँ पर मैं 1 लगा दूँ तो मतलब क्या बन गया, 2 नॉन जीरो के बीच में क्या बन गया, ज़ीरोज़ आ गए, तो बेटा अब इनकी इम्पोर्टेंस है इन ज़ीरोज़ की, तो नाउ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर काउंट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं जैसे 7150.05 किलोमीटर, तो बेटा आप देखो इनिशियल और फाइनल क्या है, नॉन ज़ीरो, बीच में क्या आ रहे हैं, ज़ीरोस, वट एवर बी द पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाया है, लेकिन ये कंसीडर क्या होगा इस रूल में, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप क्लियर होता है। अगर मैं बोलूं जैसे ये जो ईयर चल रहा है 2020 है ना, 2020 ईयर है ये, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट काउंट होंगी बेटा ये है 3 सिग्निफिकेंट, ये जो है दैट इज़ अनसर्टेन, तो हेयर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है दैट इज़ रूल नंबर 3, थर्ड रूल हमें कहता है इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, कोई भी नंबर है लेस देन 1 है, तो मान लिया मैंने 0.07, ठीक है, तो ये जो है ये लेस देन 1 है, ठीक है। एक एग्जांपल है द ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट लगा लिया डेसिमल पॉइंट, ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्या बोला है, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 द ज़ीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, कह रहा है 0.000 लगा लेते हैं और 2308, तो बेटा जिन पॉइंट से पहले ज़ीरो है पॉइंट के बाद ज़ीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो यही वाला टर्म जो है सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 4 ऑफ एस है, इतना बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये कहता है कि फोर्थ रूल में द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जो पीछे की तरफ जो जीरो दी होती हैं बाद में वो क्या होंगी, नॉट सिग्निफिकेंट। कहता है कैसे, अगर लिखा है 126 मीटर, क्लियर, तो इसमें बेटा कितनी सिग्निफिकेंट नज़र आ रही हैं आपको, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अगर यहाँ पर लिखा है 12600, ठीक है, 12600 सेंटीमीटर, तो बेटा घबराना नहीं है, अभी भी कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अगर ये कह रहा है कि 12300 है, ओके, अब मिलीमीटर में दे दिया आपको, क्लियर, तो अब जो है अभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ये बहुत बड़ी डाउट है बच्चों को कि सर यहाँ पर तो यूनिट लगी हुई है, हमारी मैडम ने तो ये सिखाया था कि है ना जिधर भी सेंटीमीटर यूनिट लग जाती है तो वो सारी काउंटेबल होती हैं, तो बेटा यहाँ पर जो है 5 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए सर, नहीं, कितनी होंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये याद रखिएगा, अभी यहाँ पर कितनी है, अभी भी 3 है, ठीक है, इतनी बात याद हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है, अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, कहता है द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, क्या दे रहा है,
कि यहाँ पर बोला है 3.500 एक डिजिट है, तो बेटा इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना, और उसके बाद ज़ीरोज़ हैं, तो बेटा ये काउंटेबल होंगे। तो इट मींस ये जो है इसमें फोर सिग्निफिकेंट फिगर है, कितनी मानी जाएगी, फोर सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब जब बात की ज़ीरोज़ हैं एक किसी भी नंबर में विद अ डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ है, ये सिग्निफिकेंट होगी। अब इसके बाद है 0.06900 हैव फोर सिग्निफिकेंट फिगर, तो बेटा यहाँ पर पॉइंट से पहले ज़ीरो है, पॉइंट के बाद ज़ीरो है, तो ये तो काउंटेबल नहीं है। हाँ ये काउंटेबल है, देन इट हैज़ फोर सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप क्लियर होता है ये फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आज के लेक्चर में हमने जितने भी सिग्निफिकेंट्स के रूल करे हैं, पहले रिक्वेस्ट है इन रूल्स को याद करिए, फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में आगे के जो रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।